अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ माय रामजद एंड आई वेलकम यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गोहर पब्लिशर्स और मोटो इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सिस फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम गोहर साइंस क्लास फाइव का चैप्टर टेन वाइंड अप करेंगे जिसका नाम था टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ और आज हम असेसमेंट करेंगे आज हमारी बुक का लास्ट लेक्चर है इसके बाद हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी और हम रिवीन की साइड पे जाएंगे जी तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 128 खोल लें खोलने और हम देखते हैं सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन को वी मस्ट केयरफुली चूज आवर मटीरियल किस लिए मॉडल मेकिंग के लिए यस वी कैन चेक इफ यूजिंग आपको याद है मैंने बताया था प्लम्ब लाइन सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द बॉडी ऑफ एन इंजर्ड पर्सन फॉर फ्रैक्चर यस नाउ वेन योर स्किन इज टॉन इट इज कॉल्ड वूंड सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंसेप्ट इज मॉडल यानी कि अगर आप अपने किसी कंसेप्ट को अपनी आंखों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको मॉडलिंग कहते हैं चलें अब शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं वन इज एन डी लाइट आपको पता है ना दिस इज अ टाइनी डिवाइस दैट प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी तो आपने अपने इसी कंसेप्ट को यहाँ पर राइट डाउन कर देना है नाउ डिफाइन फर्स्ट एड आपको याद है ना फर्स्ट एड क्या था मेडिकल केयर किसी इंजर्ड पर्सन को अपने फर्स्ट इट वाले टॉपिक को खोलें और यहाँ पे उसका आंसर लिखते हैं व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द स्पिरिट लेवल आपको याद है हमने स्पिरिट लेवल के बारे में पढ़ा था कि ये एक ऐसा टूल है व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड हाउ पैरेलल और परपेंडिकुलर अ सरफेस इज तो आपने इस टॉपिक को खोलना है रिवाइज करना है और अपने नोट्स बना लेने हैं व्हिच टेक्नीशियंस यूज हैक्सॉ हम्म एक मेटल फ्रेम है जो कि कटिंग प्लास्टिक और मेटल पाइप के लिए इस्तेमाल होता है नाउ शुड वी डू इन द केस ऑफ फ्लड इमरजेंसी क्या कर सकते हैं हम आपने फ्लड इमरजेंसी वाले टॉपिक को खोलना है और वहां पे दिए गए पॉइंट्स को इसके आंसर में लिख देना है अब देखते हैं डिटेल्ड आंसर्स को हाउ शुड वी शिफ्ट अ पेशेंट और इंजर्ड टू अ हॉस्पिटल आपको याद है आपने फर्स्ट एड के टॉपिक के अंदर आगे यह भी पढ़ा था कि किस तरह से शिफ्ट करना है आपने वो सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देने हैं वट इज द फर्स्ट एड फॉर वाउंड जी बैंडेज करना सबसे पहले रिंग्स करना था उसके बाद कवर करना था बैंडेज से और फिर सेफ्टी पिन से उसको सेफली सिक्योर कर देना था वट मटीरियल कैन यू यूज टू मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको याद है मेकिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एम्पटी बॉक्स इस्तेमाल कर रहे थे रबर बैंड इस्तेमाल कर रहे थे कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर रहे थे इस्तेमाल कर रहे थे कलरफुल पेपर का यूज किया था और ग्लू का यूज किया था तो बस आपने यहाँ पर भी उन्हीं सब मटीरियल्स को लिख देना है हाउ कैन यू मेकअप फुटब्रिज मॉडल फुटब्रिज मॉडल कैसे बन सकता है उसके लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पर लिख दें ट्वेंटी फोर आइसक्रीम स्टेक स्ट्रिंग और ग्लू गन लार्ज कार्डबोर्ड पीस पेपर पेंसिल रूलर सीजर ये सब कुछ आपने यहाँ पे ऐड करना है और इसको बनाने का तरीका अपनी बुक के पेज की मदद से यहाँ पे राइट डाउन करना है और नोट्स बना लेने हैं राइट अ नोट ऑन एल ई डी जी मजे का है आपने एलई डी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है वो इस क्वेश्चन के आंसर में नीट सा करके अपनी नोटबुक्स पे नोट्स बनाने हैं चलें अब हम बात करते हैं साइंस प्रोजेक्ट्स की पेज नंबर 129 पर साइंस प्रोजेक्ट को देखते हैं आपने क्या करना है पहले तो एक मॉडल मेकिंग करनी है ऑफ अ सोफा आपने एक सोफा का मॉडल बनाना है उसके बाद यूज रीड्स ग्लू नाइफ एंड कॉमन पेंस टू मेक द मॉडल ऑफ अ कॉट उसके बाद यूज एम्पटी प्लास्टिक बॉटल्स सीजर कटर डिओड्रेंट बॉटल क्लॉथ गॉज 12 DC motor, मोटर बैटरी हॉट ग्लू गन स्मॉल pipe, पाइप नेल टेप Vaseline bottle, cardboard कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स make मेक अ सिंपल वैक्यूम क्लीनर आप ये वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं जो यहाँ पर आपकी बुक के पेज नंबर 129 पे मौजूद दिखाया जा रहा है ये ट्यूटोरियल आपको मदद करेगा वैक्यूम क्लीनर बनाने में साथ ही साथ आपने नीचे दिए गए वेब लिंक्स को खोलना है और इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देखना है और अपनी नॉलेज में इजाफा करना है जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट चैप्टर जिसमें हमने टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखा हमने फर्स्ट एड के बारे में जाना हमने इमरजेंसी कंडीशन में किस तरह से एक्ट करना है ये सीखा और हमने मॉडल मेकिंग भी सीखी थाना मजेदार टॉपिक और आपने इन कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझा भी और हमने असेसमेंट भी सॉल्व आउट कर ली है हमारी बुक आज यहाँ पर ख़त्म होती है आपने इस बुक के तमाम चैप्टर्स को वन बाय वन पढ़ना है और वीडियो लेसन से मदद लेके सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करना है और बहुत सी न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करनी है सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और इन्जॉय करना है लर्निंग को आई होप यू विल टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ and the people around you. Allah Hafiz!